गुड मॉर्निंग एवरीबडी। देखिए एसएसटी में मैंने आपको अभी कुछ बताया है, अब मैं आज आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, उसमें अपन आगे बढ़ेंगे। सूर साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उसके तदुपरांत अपन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या दो टॉपिक पढ़ेंगे अपन आज। एक तो सूर साम्राज्य जिसमें शेरशाह सूरी, और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिसे हम महान के नाम से भी जानते हैं। इन दो बिंदुओं पर आज हम अपना डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप सभी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूर साम्राज्य जिसका संस्थापक हुए शेरशाह सूरी, जिसे बचपन में फरीद के नाम से जाना जाता है, फरीद जो है शेरशाह सूरी का नाम है, जो हसन खां मेवाती का पुत्र था, और इसको जौनपुर के जो इसके हसन खां मेवाती जीत हुए वो जौनपुर के राज के अंतर्गत सासाराम बिहार, जौनपुर राज सासाराम बिहार के अंतर्गत आता है। वहाँ के जो हसन खां मेवाती जी जमींदार थे, बाल्यावस्था से ही जो है शेरशाह सूरी काफी जुजार हो, मेहनती दूरदर्शी अफगान शासक रहे हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे उपलब्धियां हासिल की, चाहे वो शासन के क्षेत्र में हो, प्रशासन के क्षेत्र में हो, चाहे वो नाप तोल के क्षेत्र में हो। बहुत सारे इन्होंने ऐसे ऐतिहासिक कार्य कराए, जैसे कई सारी सराय का निर्माण कराया, सड़कों का निर्माण करवाया, इसलिए इनको जाना जाता है। मैं बता रहा था कि ये शेरशाह सूरी जिनके बचपन का नाम फरीद था, हसन खां मेवाती का पुत्र था ये, जो कि जौनपुर राज के अंतर्गत सासाराम बिहार में आता है, वहाँ के जमींदार थे इनके पिता हसन खां मेवाती। अगला इसमें बढ़ेंगे अपन कि शेरशाह सूरी को जो उपाधि प्रदान की गई थी वो उपाधि थी शेर खां की उपाधि। शेर खां की उपाधि के बारे में भी एक प्रकरण जुड़ा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि शेरशाह सूरी ने बाल्यावस्था में एक शेर से मुकाबला किया, जब ये जा रहे थे या अकेले थे जंगल में, तो उस समय ये निहत्थे थे, इनके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, ना कोई डंडा था, कुछ भी नहीं था, निहत्थे थे शेरशाह सूरी। और एक शेर ने इनके ऊपर आक्रमण किया और शेर से इन्होंने संघर्ष किया और शेर को इन्होंने मार डाला। तो शेर को मारने के तदुपरांत ऐसा बताया जाता है कि बिहार के शासक बहार खां ने इनको शेर खां की उपाधि से नवाजा, और उस दिन से ये शेरशाह सूरी शेर खां के नाम से जाने जाते हैं। इसी क्रम में हम बात करेंगे इनके साम्राज्य की। तो शेरशाह का साम्राज्य यदि हम बात करें पश्चिमी कन्नौज से लेकर के, कहाँ से साम्राज्य की हम बात करते हैं, तो इनका साम्राज्य जो था पश्चिमी कन्नौज से लेकर के पूर्व में असम की पहाड़ियों, हाँ पूर्व में असम की, देखिए शेरशाह सूरी के साम्राज्य की हम बात करते हैं, तो इनका साम्राज्य पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। तो देखिए भैया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेरशाह सूरी एक ऐसा शासक हुआ है जिसने बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किए हैं, उसका साम्राज्य काफी लंबा था। साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, साम्राज्य जो है पश्चिमी कन्नौज से पूर्व में असम की पहाड़ियों और उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक शासक हुआ, इसने अपने शासनकाल में अभूतपूर्व ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, जिसके लिए इसको जाना जाता है।
ये जो है दिल्ली का सम्राट बना फरीद शेरशाह सूरी और जिज्ञासु प्रवृत्ति का था ये। जैसा कि मैं आपको पहले पूर्व टॉक में पढ़ाया था 1540 के युद्ध में चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में और 1540 में हुआ था कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। तो चौसा के युद्ध में इसलिए शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और 1540 में कन्नौज के युद्ध में भी हुमायूं को हराया था। युद्ध नीति इसकी बहुत बढ़िया थी, अनुशासन और दृढ़ निश्चय, दूरदर्शी सुल्तान था ये, कभी इसने हार नहीं मानी और बचपन से ही काफी योग्यता का धनी था। यदि इसके साम्राज्य की ओर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये छोटी छोटी बातों पर बड़ा गौर करता था। इसने राजस्थान में मारवाड़ रियासत में प्रवेश किया। तो इसका सामना किससे हुआ? मारवाड़ के शासक राव मालदेव से। राव मालदेव एक प्रखर शासक था, जुझारू था। इसके दो सेनापति हुए जेता और कोपा, जेता व कोपा। ये बड़े साहसी थे, ऐसा बताया जाता है कि शेरशाह सूरी ने जब 1544 ईस्वी में मारवाड़ रियासत में प्रवेश किया तो युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। गिरी सुमेल का युद्ध होता है कब होता है भैया? 1544 ईस्वी में। और किस किस के बीच होता है गिरी सुमेल का युद्ध? मारवाड़ रियासत के शासक राव मालदेव व अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य। ना तो बता देना चाहता हूं, यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और पूछा जाता है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब किसके बीच हुआ, तो आपको बताना है कि गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में अफगान शासक शेरशाह सूरी और मारवाड़ के शासक राम मालदेव के बीच हुआ। राम मालदेव और उसके सेनापति जेतर कोपा ने बहुत ही वीरतापूर्वक इस युद्ध में अपनी भूमिका दर्शाई और बहुत ही संघर्ष किया, बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी और अफगान शासक शेरशाह सूरी के दांत खट्टे कर दिए। शेरशाह सूरी बहुत ही हतोत्साहित हो गया, घबरा गया कि अब क्या होगा, क्योंकि वो छोटी सी रियासत को जीतने के लिए उसकी दिल्ली की बादशाह छीन जाती। तो उसने युद्ध के दौरान अपने घोड़े से उतर करके अपने अल्लाह से, अपने भगवान से दुआएं मांगी कि ए मालिक मुझे इस युद्ध में विजय दिलाओ, मेरी रक्षा करो, मेरे साम्राज्य की रक्षा करो। भगवान के उसने भोग दिए और बड़ी मान्यता की घोड़े से उतर करके। तब जाकर के संघर्ष, बहुत संघर्ष हुआ और उस युद्ध में गिरी सुमेल में जीता। कौन जीता था? शेरशाह सूरी। राम मालदेव के सेनानायक जेतर कोपा युद्ध में पराजित हुए, मारे गए। लेकिन ये युद्ध इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तब मारवाड़ रियासत में युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का। उस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने इस रियासत के बारे में कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये शब्द किसने किस युद्ध के लिए कहे थे? तो आपको बताना है मेरे बच्चों, यह युद्ध गिरी सुमेल का युद्ध था जो 1544 में हुआ था, शेरशाह सूरी अफगान शासक और राम मालदेव के बीच हुआ। इस युद्ध में बड़ी मुश्किलों से शेरशाह सूरी की विजय हुई
राम मालदेव के सेनानायक सेनापति जेतार गुप्पा वीरतापूर्वक संघर्ष किया और मारे गए। तब जाके इसने इस ग्रीस मेल के युद्ध और मारवाड़ रियासत के लिए सब कहे थे कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। वो व्यक्ति कौन था भैया? शेरशाह सूरी। देखिए सर, इसके बाद में 1545 ईस्वी में 1546 में ग्रीस में युद्ध हुआ और 1501 साल बाद 1545 में कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद के विस्फोट होने के कारण इसकी मृत्यु होती कालिंजर ध्रुव। तो गांव की मृत्यु हुई इसकी कालिंजर में, बारूद से विस्फोट हुआ था भैया, बारूद विस्फोट के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से 1545 में एक वीर योग कर्मठ जुझारू संघर्षशील शासक का अंत हुआ। लेकिन अपन बता सकते हैं कि सूर साम्राज्य जो है अपने निर्माण के लिए और सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। मैं आपको प्यारे बच्चों बताना चाहता हूं कि शेरशाह सूरी के बाद में ऐसा कोई अफगान शासक नहीं हुआ जो उनकी शक्ति में वृद्धि कर सके, और जो भी उसके उत्तराधिकारी हुए वो कमजोर हुए, उनका पतन हो गया। इस तरह से सूर साम्राज्य टूट टूट करके बिगड़ गया। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी ने अपने काल में ऐतिहासिक कार्य कराए। हम बात करते हैं सुधार की और निर्माण की, जिसके लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। देखिए भैया, शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के साथ साथ लगान को व्यवस्थित किया। सुधारों की बात करते हैं तो इसने विशेष रूप से भूमि की माप, भूमि की माप और लगान, किसानों को लगने वाला जो लगान था उसको व्यवस्थित किया। लगान के साथ साथ बटाई है, नगदी प्रणाली है आदि को इसने नियंत्रित किया। बटाई का काम है, नगदी प्रणाली है आदि इसने इसकी ओर ध्यान दिया। साथ ही साथ सरायों का निर्माण कराया। सरायों के निर्माण के साथ साथ इसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया, वह आपको बता देना चाहता हूं। शेरशाह सूरी ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, देखो, जीटी रोड, इसका हिंदी नाम है ग्रांड ट्रंक रोड, कश्मीर से कन्याकुमारी भी कहते हैं इसको, और ये इसने सबसे लंबी सड़क का निर्माण करवाया था। साथ साथ देखिए अपन बात करते हैं, यह सड़क बंगाल के सोनार से लेकर पेशावर तक हमें देखने को मिलती है। तो कहाँ से कहाँ तक मिलती है? बंगाल के सोनार से पेशावर तक देखने को मिलती है। तो भूमि की माप की बात करें, चाहे लगान की बात करें, चाहे बटाई की बात करें या नगदी की बात करें, इसने बहुत सारे निर्माण कार्य किए। इसमें अपन बात करते हैं, सरायों का निर्माण कराया, सड़कों का निर्माण कराया। उन सड़कों में एक सड़क जो है इसकी बहुत ही प्रसिद्ध है, उसका नाम है जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जो बंगाल से, बंगाल के सोनार से लेकर के पेशावर तक हमें देखने को मिलती है। इसके काल में इसने अपने काल में तांबे और चांदी के सिक्के भी चलवाए, और तांबे और चांदी के सिक्कों के साथ साथ इसने शासन व्यवस्था को पूरी तरह से अपने मजबूत हाथों में जकड़े रखा। इसके कार्यकाल में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गलत काम नहीं हुए जिसके लिए इसको नीचा देखना पड़े। शेरशाह सूरी ने साम्राज्य के विस्तार के लिए अपनी जो नीतियाँ लागू की उन पर अकबर ने भी अनुसरण किया, और काफ़ी हद तक उसका शासन एक अच्छे सुयोग्य कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता और शासक के रूप में जाना जाता है। बताया जाता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में कालिंदर अभियान के दौरान हुई। बारूद विस्फोट के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका मकबरा जो है
सासाराम बिहार में हमको देखने को मिलता है। तो मकबरा कहाँ भैया? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में, बिहार में एक झील के किनारे, झील के किनारे पर है। तो बात करेंगे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है, एक झील के किनारे बना हुआ है, जो कि डमरू की आकृति के समान दिखाई देता है। किसकी आकृति के समान दिखाई देता है भैया? डमरू की आकृति। इसका जो मकबरा है वो डमरू की आकृति के समान दिखाई देता है, और जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो इसकी विशेषता ये रहेगी, हिंदू मंदिरों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस महान शासक के बारे में बता देना चाहता हूं। इस महान शासक ने जो कि असल खां मेवाती का पुत्र था, इसने चीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जो कि बंगाल के सोनार से पेशावर तक देखने को मिलती है। मकबरा की बात करें, 1545 में कालिंदर अभियान के दौरान इसकी मृत्यु बारूद के विस्फोट से हो जाती है। सासाराम बिहार में इसका मकबरा है झील के किनारे, जिसकी आकृति डमरू के समान हमको दिखाई देती है, जिसमें हिंदू मंदिरों का प्रभाव हमको अधिक से अधिक देखने को मिलता है। तो हिंदू मंदिरों का प्रभाव जिस मकबरे में देखने को मिलता है वो कौन सा, किसका मकबरा है भैया? शेरशाह सूरी का मकबरा है। किसका भैया? सूरी का, जिसके बचपन का नाम क्या था भैया? फरीद। अतः शेरशाह सूरी ने अपने कार्यकाल में सरायों का, सड़कों का, ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया। वो एक सशक्त, योग्य, अनुभवी शासक था। उसने अपने जीवन काल में बहुत सारे अभियानों पर गया और युद्ध जीते। उसका एक मार्मिक युद्ध बात करें, ग्रीष्मेर का युद्ध था, जिसमें वो हारते हारते बचा। उस युद्ध के दौरान उसने कहा था, एक मुट्ठी बाजरे में हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कौन था वो? राम मालदेव। राम मालदेव था जिसने इसके दांत इकट्ठे किए थे, और शेरशाह सूरी ने ये सब कहे थे, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यदि वो युद्ध हार जाता तो ये बादशाह नहीं बन पाता। कौन? शेरशाह सूरी। और बादशाहत किसी और के हाथ में चली जाती तो बादशाह राम मालदेव कहलाते। ये बात शेरशाह सूरी के बारे में अपने आज बनी सूर्य साम्राज्य। अब इसमें अगर कभी पढ़ेंगे अपन अकबर, देखिए भैया इसमें अपन पढ़ेंगे भैया अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिसे इतिहास में महान शासक, महान शासक के नाम से जाना जाता है। इसका कार्यकाल, जन्म जो है वो है 1542 को ईस्वी को अमरकोट सिंध, जो पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध में हुआ। पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो। पिता कौन थे इनके? हुमायूं। और माता कौन थी इनके अकबर की? हमीदा बानो। यदि हम इनके संरक्षक की बात करें, संरक्षक थे बैराम खान, ठीक है। और अकबर का जो कार्यकाल, कार्यकाल की बात करते हैं तो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा। तो 13 वर्ष की अल्प आयु में शासक बना। कह सकते हैं कि इसका पिता जो था हुमायूं, उसकी मृत्यु 1556 में होती है, और जब अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु होती है तो उस समय अकबर एक अभियान पे था अपने संरक्षक बैराम खान के साथ।
उस अभियान का नाम था कला और अभियान, कला और का अभियान। पिता हिमायू को नशे का शौक था, नशा आदि किया करता था और बताया जाता है कि दीन ए पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़ककर इसके पिता अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हुई उस समय अकबर कौन सा अभियान पता, कला और के अभियान का। जब इस बात का पता पड़ा अकबर को कि मेरे पिता का देहांत हो चुका है हुमायूं का, तो उसी समय उसके संरक्षक बैराम खान ने क्या किया साहब, ईंटों का सिंहासन बनाकर, बैराम खान ने ईंटों का सिंहासन बनाकर अकबर का राज तिलक किया, यानी कि 1556 से 1605 तक इसने शासन किया। किसने किया भैया, अकबर ने। तो बैराम खान ने क्या किया साहब, उसका राज तिलक कर दिया 1556 में, क्योंकि उसके पिता का देहांत हो गया था। 14 वर्ष की अल्पायु में इसका राज्याभिषेक हुआ। कितने वर्ष की आयु थी इसकी, 14 वर्ष। तो 14 वर्ष की अल्पायु में इसका राज्याभिषेक किया। इसके बाद में जैसे ही इसने शासन सत्ता संभाली अकबर ने, इसके सामने भी काफ़ी समस्याएं आई। निश्चित तौर पर विधि की विडम्बना ऐसी है कि जिसका पिता मरता है उसके पुत्र पर जो है काफ़ी पहाड़ टूट जाता है। अकबर भी अल्पायु में था, 14 वर्ष का था, उस समय पूरी तरह परिपक्व नहीं था। आसपास के राज्यों में जो है राजाओं ने और शासकों ने इसके खिलाफ बगावत की, लेकिन इसने अपने बुद्धि बल से, अपनी चतुराई से, अपने गुणों से पूरा शासन किया और मुगल शासन सत्ता को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। तो अकबर को महान के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें अपन बात करेंगे साहब, इसके सामने अगली चुनौती थी पानीपत का युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध, मैंने बताया इतिहास की सबसे लंबी लड़ाई, यदि किसी लड़ाई को कहते हैं तो उसका नाम है पानीपत का युद्ध। पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर ने विजयश्री हासिल की और बाबर दिल्ली का संस्थापक बना, बाबर का संस्थापक बना और राज किया। उसके बाद में पानीपत का दूसरा युद्ध अफगान शासक हेमू, इसमें मतलब ये हेमू में अकबर, हेमू अकबर के बीच हुआ, इसमें अकबर विजयी रहा। कौन जीता भैया, अकबर। देखिए साहब, हेमू और अकबर के बीच हुआ, इसमें अकबर जीता। अफगान शासक हेमू अकबर के मध्य 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। ऐसा बताया जाता है कि हेमू की गर्दन में तीर लगने से, हेमू की गर्दन में तीर लगने से हेमू मूर्छित हो गया, घायल हो गया और उसका फायदा उठाते हुए उसके संघर्षक बैराम खान ने उसकी गर्दन कलम कर दी, काट दी। इस तरह से पानीपत के युद्ध में यदि बात करें तो अकबर की विजय हुई। अकबर ने अफगान शासक हेमू को पराजित किया और दिल्ली पर राज स्थापित किया। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग हिंदू सेनापति था। बताते हैं कौन हेमू, हेमू जो है बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का एक सुयोग हिंदू सेनापति था। सुयोग हिंदू सेनापति था, कौन था भैया, हेमू। ठीक है सर, इसने हेमू ने बताते हैं कि लगभग हेमू ने 22 युद्धों में विजय श्री प्राप्त की थी। हेमू भी एक अनुशासन प्रिय कट्टर हिंदू था, उसने 22 युद्ध जीते थे, जल्दी से हार मानने वाला शासक नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जीता जो सिकंदर होता है, हेमू क्या गर्दन में तीर लगा
अचानक अनायास अंतिम पहर में जब वो युद्ध जीतने वाला था, कौन? हेमू। अचानक एक तीर उसके गर्दन में लगा, घायल हुआ और उस अवस्था का फायदा उसके बराम खान ने उठाया, उसकी गर्दन कलम कर दी। इस तरह से जीती हुई बाजी अकबर के खेमे में चली गई और मुगलों की क्या हुई भैया? विजय हुई। इस तरह से जो है 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुके हेमू का पानीपत के दूसरे युद्ध में पतन हुआ और वो मारा गया। 22 युद्धों में विजय प्राप्त करने के कारण उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो विक्रमादित्य किसे कहते हैं? विक्रमादित्य एक उपाधि थी जो किसने धारण की थी भैया? हेमू। 22 युद्धों में विजय श्री प्राप्त करने के कारण हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इस तरह से पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो हेमू और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर ने संघर्ष किया, हेमू ने संघर्ष किया। बहुत अच्छा युद्ध चल रहा था, हेमू अपने जीत की ओर बढ़ रहा था। अनायास ये तीर उसके गर्दन में लगा और वो घायल हो गया। उस अवस्था का फायदा उठा करके अकबर के संरक्षक बहराम खान ने उसकी गर्दन कलम कर दी और पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की विजय हुई। अपन बात करते हैं, अकबर ने 1562 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर, से मालवा, चुनार का किला, घोड़ावन का किला जीता। कौन ने जीता था? बाज बहादुर से। तो बाज बहादुर कौन था? एक संगीत प्रेमी था। बाज बहादुर की बात करते हैं तो बाज बहादुर ये था भैया संगीत प्रेमी। 1562 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर को अकबर ने हराया और हराने के साथ साथ मालवा, चुनार का किला और घोड़ावन का किला जीता। सर्दनहाड़ा से रणथंभौर जीता। रणथंभौर का शासक उस समय सर्दनहाड़ा था, उस समय उसने रणथंभौर का किला जीता सर्दनहाड़ा से। सर्दनहाड़ा के साथ साथ राजा रामचंद्र से कालिंजर का किला जीता और अकबर को सौंप। मतलब बात करते हैं कि साहब कालिंजर का किला जो है रामचंद्र ने चुपचाप ही अपने आप ही अपनी स्वेच्छा से अकबर को सौंप दिया, ये रहा। लेकिन संघर्ष की बात करते हैं तो बाज बहादुर से संघर्ष किया और बाज बहादुर से संघर्ष करने के बाद में उसने मालवा का किला, चुनार का किला और घोड़ावन का किला अकबर ने जीता। उसी के साथ सर्दनहाड़ा से उसने रणथंभौर जीता। लेकिन यदि हम बात करते हैं किसकी भैया? राजा रामचंद्र की। तो उसने कालिंद्र का किला स्वेच्छा से अकबर को प्रदान कर दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अकबर ने बहुत सारे अभियान किए, उन अभियानों में बहुत सारी विजय श्री हासिल की। अपनी योग्यता, अपनी दृढ़ निश्चितता, अपने कार्यों के द्वारा, अपनी सेना में अनुशासन के द्वारा अकबर ने अनेक अनेक कार्य किए। तो उसका अगला युद्ध हम पढ़ेंगे, ऐतिहासिक और मार्मिक युद्ध पढ़ेंगे, मन वो आता है साहब का हल्दीघाटी। देखिए भैया अकबर के अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे था हल्दीघाटी। राजसमंद में देखो जी हल्दीघाटी का युद्ध, का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में मुगलों को सफलता नहीं मिली, किसी की हार जीत नहीं हुई, न तो महाराणा प्रताप की हार हुई, न मुगलों की हार हुई, मुगलों को सफलता नहीं मिली। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हल्दीघाटी कहाँ स्थित है। ये खमनौर के रक्त तलाई नामक स्थान पर युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मानसिंह ने इस युद्ध का परिणाम नहीं निकला, यानी कि मुगलों को सफलता हाथ नहीं लगी।
ठीक है सर, मेवाड़ के प्रताप ने मान सिंह व आसफ खान के संयुक्त नेतृत्व में हल्दी घाटी का युद्ध किया। तो मान सिंह और आसफ खान ने भाग लिया था इसमें, एक आसफ खान और था। तो पता से कि हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की तरफ से नेतृत्व करने वाले कौन थे, मान सिंह और आसफ खान, इन्होंने नेतृत्व किया। लेकिन कहते हैं मुगलों को सफलता नहीं मिली और मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। राजपूत राजाओं में महाराणा प्रताप, जिसके बचपन का नाम कीका था, कीका इस उदय सिंह के पुत्र थे, इनकी पत्नी का नाम था जमंताबाई और पुत्र का नाम था अमर सिंह और इनके बेटे का नाम, भाई का नाम था शक्ति सिंह। तो बचपन से महाराणा प्रताप काफी दृढ़ निश्चय थे, कठोर थे, मेहनती थे, पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध लड़ने की इनको बहुत अच्छी महारत हासिल थी और इन्होंने कभी भी जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने में बहुत सारे राजपूत राजा हुए, जैसे राणा सांगा है, राम मालदेव है, चंद्रसेन है, महाराणा प्रताप है आदि, ये ऐसे शासक हुए राजपूतों में जिन्होंने राजस्थान की आन बान शान के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। उन्हीं में एक था महाराणा प्रताप और उदय सिंह का पुत्र था, इसकी माता का नाम जवंताबाई था। अच्छा, इसने अपना कार्यकाल रखा और पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध अभ्यास किया, शुरू से ही बड़ा मेहनती था। तो अधिकारी युद्ध 1815 क्षेत्र को खमनौर रखते नाम स्थानांतर हुआ। महाराणा प्रताप है मुगल सेना के सेनानायक आसफ खान मान सिंह के मध्य, जिसमें कोई सफलता नहीं मिली मुगलों को और मुगलों के लौटने के बाद अपने खोए हुए प्रदेशों पर उन्हें महाराणा प्रताप ने अपने एकाधिकार स्थापित कर लिया। और साथ ही साथ उसके बाद में अहमदनगर की शासी का चांद बीवी से मुकाबला किया और अहमदनगर को अकबर ने जीता। तो अधिकारी में सफलता नहीं मिली। उसके बाद में बता सकते हैं अपन कि 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था, दिवेर की नाड़ में मुगलों में और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह में, उसमें अमर सिंह विजयी रहा और मुगलों की हार हुई और महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में होती है। तो भैया अपन बात करते हैं कि हल्दी घाटी में सफलता नहीं मिली तो अकबर ने मान सिंह की जोड़ी बंद कर दी, उसको दरबार में प्रवेश बंद कर दिया। ये चार दूत थे जिनको अपन ट्रिक के नाम से जानते हैं, ट्रिक है जमा भाटा, जमा भाटा। देखो जय मा भा टा, जैसे जलाल खान कोरची, जलाल खान कोरची और माँ से मान सिंह, भा से बारमल, भा से वो ता से टोडमल, ये चार दूत थे जिनमें से सबसे पहले कौन लिया था, जलाल खान कोरची, फिर मान सिंह, जो मान सिंह ने अधिकारी युद्ध में भाग लिया और इसको सफलता नहीं मिली। इस तरह से दूत भेजे थे इसने चार, किसने भेजे थे, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने राजस्थानी राजभूमि के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, लेकिन मुगलों की अधीनता की स्वीकार इसने नहीं की। अब उसने अहमदनगर की शासिका चांद बीबी से संघर्ष किया और अहमदनगर को जीता। बात करते हैं अपन इसी क्रम में कि 1601 में अकबर ने अंतिम विजय जो हासिल की वो था असीरगढ़ पर आक्रमण। 1601 में असीरगढ़ पर आक्रमण और असीरगढ़ यह उसका अंतिम अभियान था। अकबर ने अंतिम विजय हासिल की थी, असीरगढ़ की विजय। इस तरह से जो है अकबर ने अपना जो है अभियान, सैनिक अभियान किया और युद्ध जीते। अकबर ने नौरत्न, अकबर के नौरत्न थे उनमें एक बीरबल भी था, ठीक है साहब। अकबर ने, अपन बात करते साहब कि अकबर ने 1584 ईस्वी में गुजरात
1584 ईस्वी में गुजरात के विद्रोह कुचलने के कारण अबू रहीम को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी और 1605 ईस्वी में लंबी बीमारी के कारण अकबर की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अकबर का पुत्र था जहांगीर, इसको जिसका नाम था सलीम और प्यार का नाम था उसका शेखू बाबा। ये बड़ा ही लाडला था अकबर का, लेकिन जिद्दी था, चित्रकला का शौक था इसको, किसको जहांगीर को, अकबर को शौक था किसका, कुश्ती का, अकबर को कुश्ती का शौक था, बाबर को किसका था भैया, तैराकी का, मैंने बताया ना आपको। और देखिए इस तरह से अबू रहीम खान खाना को जब उसने गुजरात के विद्रोह कुचला, अबू रहीम खान खाना को गुजरात अभियान के लिए भेजा, उसने गुजरात विद्रोह को कुचल दिया, उससे प्रसन्न होकर के खान खाना को जो है उसने खान खाना की उपाधि प्रदान की, किसको, अबू रहीम को, और 1605 ईस्वी लंबी बीमारी के कारण अकबर का देहांत हो जाता है। अकबर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसमें वो सारे गुण थे जो एक शासक के अंदर होने चाहिए। अकबर की मृत्यु जो होती है फतेहपुर सीकरी आगरा में होती है, फतेहपुर सीकरी में उसने बहुत सारे काम कराए, बुलंद दरवाजा का नाम सुना होगा आपने, जो उसने गुजरात में देखिए यार को मढ़वाया था, वो जो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, ये किसकी याद में मनवाया था इसने, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मनवाया था। यहाँ पर दीवाने आम है फतेहपुर सीकरी में, दीवाने खास है, पंच महल है, जोधाबाई का महल है और एक इबादत खाना भी है। कहाँ पर इबादत खाना, फतेहपुर सीकरी में, जहाँ इसने ईसाई मिशनरियों को बुला करके धर्मशास्त्र का अध्ययन किया और सभी धर्मों का वहाँ पे मंथन किया, बैठे धर्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए ईसाई मिशनरियों को उसने एक इबादत खाने का निर्माण करवाया था। वो कौन था भैया, महान अकबर। देखिए भैया बात कर रहे हैं अपन, अकबर की मृत्यु हुई 1605 ईस्वी में और अकबर का मकबरा कहाँ है भैया, आगरा सिकंदरा में, ये इसका मकबरा है आगरा में सिकंदरा में, सिकंदरा पड़ता है आगरा के पास, एक नहीं हाथी पड़ता है के पास, वो नहीं आगरा में सिकंदरा पड़ता है, वहां पर इसका मकबरा बना हुआ है। अकबर के मकबरे पर बहुत निर्माण कला का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो कौन सी कला का प्रभाव मिलता है अकबर के मकबरे पर, बौद्ध निर्माण कला का प्रभाव अकबर के मकबरे पर देखने को मिलता है। इससे पहले बताया था मैंने शेरशाह सूरी के मकबरे पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव मिलता है और अकबर के मकबरे पर बौद्ध निर्माण कला का प्रभाव देखने को मिलता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया, इबादत खाने में अकबर ने गोवा और पुर्तगाली मिशनरियों को बुलाकर धर्मशास्त्रीय अध्ययन ज्ञान पर चर्चा करने के लिए उसने 1575 ईस्वी में ये क्या मनवाया था, इबादत खाना कब मनवाया, ये 1575 में गोवा से पुर्तगालियों को, यानी मिशनरियाँ जो होती हैं, अंग्रेज जो होते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं, इनको बुला करके उन्होंने अध्ययन किया, धर्मशास्त्रीय अध्ययन पर चर्चा करने के लिए इबादत खाने का निर्माण करवाया था। कौन करवाया था भैया, अकबर ने 1585 ईस्वी में उसने एक धर्म चलाया था, उसका नाम है दीन ए इलाही। 1582 में उसने एक धर्म चलाया जो कि उसकी मृत्यु के साथ क्या हो गया भैया, समाप्त हो गया। अब दीन ए इलाही धर्म चलाया, इस धर्म में शामिल होने वाला पहला व्यक्ति था बीरबल। पहला राजा कौन था ये पूछेगा एग्जाम में कि दीन ए इलाही धर्म को ज्वाइन करने वाला, उसमें प्रवेश लेने वाला, शामिल होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, बीरबल। सूफी मत के संप्रदाय को इसने संरक्षण दिया, किसने, अकबर ने। लाहौर में आगरा में ईसाइयों के गिरजाघर बनवाए, यानी कि सभी धर्मों के साथ इसकी अच्छी मित्रतापूर्ण व्यवहार था इसका, विशेषकर राजपूतों के साथ में इन्हें वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैसे बताया जाता है कि आमिर की राजकुमारी जोधाबाई, जिसको अपन हरका बाई के नाम से भी जानते हैं, तो आमिर की राजकुमारी जो थी राजा भारमल की पुत्री थी, उससे इसने विवाह किया, इसके गर्भ से पुत्र प्राप्त हुआ शेखू सलीम उर्फ जहांगीर, पुत्र प्राप्त हुआ और
इसने राजपुत्र के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर को चित्रकला का, संगीत कला का, नृत्य कला का, बहुत सारी कलाओं में रुचि थी इसकी। इसने ऐसे बहुत से कार्य किए जिसके लिए इसको अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है। राजपूत नीति के अंतर्गत इसने राजपूतों को उच्च पदों पर आसीन किया। बारमल, टोडरमल, मानसिंह आदि को अपने शासनकाल में उच्च पदों पर आसीन किया। राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, विवेक संबंध स्थापित किए आदि। साथ ही साथ बारमल कछवा राजा था, उसकी पुत्री चौदाबाई से उसने विवाह किया और बहुत उससे प्रेम करता था। अकबर 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। भगवान दास मानसिंह को अकबर ने जो अपने शासनकाल में काफी उच्च पदों पर आसीन किया। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर हटा दिया। जजिया कर एक कर था जो लोगों से लिया जाता था। जजिया और जकात दो कर हुआ करते थे, हिंदुओं से लिया जाता था कर, ये उसको हटाया इसने और फतेहपुर सीकरी को अपनी शाही, फतेहपुर सीकरी शाही राजधानी थी, यहाँ अकबर की शाही राजधानी उसे कौन सी किया, फतेहपुर सीकरी, उसमें जो इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। और बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय की याद में करवाया था भैया, गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। इस तरह से बात कर रहे हैं, चित्रकला, संगीत कला, बहुत सारी कलाओं में इसको महारत हासिल थी। सभी प्रधान धर्मों की नीतियों और शिक्षाओं का समावेश उसने अपने दीन इलाही जो धर्म चलाया था उसमें किया। तो दीन इलाही धर्म में उसने क्या किया था, दीन इलाही धर्म में सभी प्रधान धर्मों की नीतियों और शिक्षाओं का समावेश किया। लेकिन बताया जाता है कि दुर्भाग्यवश यह दीन इलाही धर्म अकबर की मृत्यु के साथ क्या हो जाता भैया, समाप्त हो जाता है। इस तरह से जो है अकबर ने अपने कार्यकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की। राजपूत राजाओं से मित्रता की, उनके संग वैवाहिक संबंध स्थापित किए, बहुत सारे ऐसे आर्थिक इमारतों का निर्माण कराया। एक धर्म श्रेणी शासक था, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया इसने। साथ ही साथ ये न्याय के रूप में भी जाना जाता है। इसके कार्यकाल में सुख शांति थी और इसका पुत्र जो जहांगीर था, जिसके बारे में हम कल आपसे चर्चा करेंगे।